देखिए स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीफो के बाद हीफो मेथड। हीफो का मतलब है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन का मतलब है कि जिस मटेरियल की का रेट जो है हाई होगा, अब आपने सबसे पहले उसको निकालना है। तो इस मेथड्स के अकॉर्डिंग जिस भी मटेरियल का रेट्स सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले इशू कर दिया जाएगा। और ये मेथड वहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है जैसे मोनोपोली वाले केस में क्या होता है कि हम किसी और से परचेज़ नहीं कर सकते, हमारी एक मजबूरी हो जाती है कि अगर वो हाई रेट पर सेल कर रहे हैं तो हमें वही परचेज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से ये हीफो मेथड है और नॉर्मली इसको ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता हीफो मेथड को। इलस्ट्रेशन 11th में देखिए, शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन स्टोर लेजर रिगार्डिंग अ सर्टेन मटेरियल इफ़ हीफो सिस्टम इज़ फॉलोड। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ रिसीप्ट है, यूनिट है, रेट है, फिर डेट ऑफ इशू है, देन यूनिट्स है। अब आपने वही की डेट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। 2016 फर्स्ट अप्रैल को 450 यूनिट्स 2.20 के हिसाब से है। तो यहाँ देखिए 450 यूनिट 2.20 के हिसाब से 900। फर्स्ट के बाद फिफ्थ को परचेजिंग हुई है 500 यूनिट की 2.10 के हिसाब से 1050 रुपीज़। अब इसको यहाँ पर कैरी कर लिया तो ये 450 और 500 कैरी हो गया। उसके बाद आपने 5 के बाद 12 अप्रैल को परचेजिंग है, लेकिन 12 से पहले 10th अप्रैल को आपने 400 यूनिट इशू करनी है। तो 400 यूनिट अब यहाँ नेती है तो ना तो फीफो मेथड है, अब ये फीफो लीफो की तो तरह नहीं है। अगर फीफो होता तो इसमें से 400 यूनिट ले जाते, अगर लीफो होता तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता, बट ये हीफो मेथड है। हाईएस्ट रेट, अब देखिए 450 का रेट क्या है 2.20 और 500 का क्या है 2.10। तो 400 यूनिट जो आपने इशू करनी है वो रेट के अकॉर्डिंग चेक करना है। इसका रेट हाई है तो इस रेट के अकॉर्डिंग 400 यूनिट यहाँ पर पिक हो गई, 880 रुपीज़ आ गया। 450 में 400 यूनिट ले आए तो 50 रुपीज़ रह गया और 500 ये अब यहाँ पर आ गया हमारा। नेक्स्ट 12 अप्रैल को क्या हुआ, परचेजिंग हुई है 350 यूनिट 2.40 के हिसाब से। अब आपके पास तीन कैरी हो गए, 50, 500 और 10। अब इसके रेट का ध्यान रखना है, ये इसके रेट हैं। और 12 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल को 300 यूनिट इशू करनी है। अब 300 यूनिट कैसे जाएगी, रेट किसका हाई है, 350 यूनिट का रेट जो है 2.40 है। तो अगर आपने 15 अप्रैल को 200 यूनिट निकालनी है तो 200 यूनिट पहले यहाँ से निकालोगे, 200 यूनिट 2.40 के हिसाब से यहाँ गई, लेकिन सीक्वेंस में वही 50 पहले आएगा, 500 जो रिमेनिंग बैलेंस इसमें से रह गया 150 रुपीज़ ये यहाँ पर लिखा जाएगा। देन 18 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को यहाँ पर परचेजिंग हुई है 300 यूनिट 2.25 के हिसाब से। यहाँ देखिए 300 यूनिट है, 300 यूनिट 2.25 के हिसाब से 675 रुपीज़ हो गया। लेकिन 20 अप्रैल से पहले यहाँ देखिए 18 अप्रैल को 300 यूनिट निकालनी है, तो 300 यूनिट निकालने के लिए वही रेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 300 यूनिट कैसे पूरी होगी, पहले 150 इसमें से, फिर 50 रुपीज़ यहाँ से, अभी ये 200 हुआ है। अब 2.10 में से हमारा कितना बैलेंस है 100 रुपीज़ का, यहाँ से 100 रुपीज़ लेने के बाद आपको 400 यूनिट रह जाएंगी 2.10 के हिसाब से। इधर देखिए यहाँ पर 400 यूनिट 2.10 के हिसाब से 840 आ गया। फिर आपने 20 अप्रैल को 300 यूनिट कंज्यूम की है 2.25 के हिसाब से, फिर ये कैरी हो गया यहाँ पर। अब 350 यूनिट आपने निकालनी थी, लेकिन इसकी रेट ज़्यादा है तो पहले यहाँ से कैरी करोगे, फिर जो बैलेंस रह जाएगा वो यहाँ, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया 350 यूनिट 2.10 के हिसाब से 735 रुपीज़। अगेन 12th क्वेश्चन में भी आपका ऐसा ही है कि आपने हीफो मेथड यूज़ करना है, लेकिन लास्ट में देखो ये पॉइंट समझा देती हूँ, बाकी सब सेम है। द स्टॉक ऑन 30th अप्रैल वॉज 240 यूनिट, ये कह रहा है जो 30th अप्रैल, यानी कि ये उसने पहले ही क्लोजिंग स्टॉक आपको बता दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 240 यूनिट रह जाना चाहिए, मतलब यहाँ बता दिया उसने आंसर। तो आपका कितना रिमेनिंग शॉर्टेज होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप ही। मैं लास्ट में ही समझा देती हूँ, देखिए यहाँ पर 350 रुपीज़ है और लास्ट में 28th अप्रैल को आपने 150 यूनिट कंज्यूम करनी है। तो 150 यूनिट कंज्यूम करने के बाद हीफो के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले 1.20 रेट के हिसाब से 50 रुपीज़ गए, देन 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, आपका 350 बैलेंस रह जाना चाहिए। बट 350 यहाँ पर आपने नहीं लिखा क्योंकि उसने क्या कहा था, 250 यहाँ पर रह गया, और आप उसने लास्ट में कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 240 रुपये यूनिट रह जानी चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ 250 बैलेंस है और यहाँ 240 आपका रहेगा ही रहेगा, तो 250 में से 240 गए तो कितने की शॉर्टेज हुई,
10 की शॉर्टेज आपके पास होगी, तो उसके बाद इसको आप एज इट इज़ जो आपकी वैल्यू 275 का क्लोजिंग स्टॉक है इसको यहाँ से डिवाइड करके आपका यहाँ पर रेट निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है बेस स्टॉक प्राइस मेथड। बेस स्टॉक प्राइस मेथड का है कि इसमें मिनिमम स्टॉक लेवल रखा जाता है एक फिक्स्ड वैल्यू पर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसने कह दिया ना भाई मेरा बेस स्टॉक 200 यूनिट का 8 रुपीज़ के हिसाब से रहेगा, तो वो आपने मेंटेन करके रखना है। और ये फीफो लीफो हीफो की तरह जो है डिपेंडेंट नहीं है, इसके अलग से एक कॉन्सेप्ट है कि आपने एक नॉर्मल वैल्यू मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखना है, इसकी जब ज़रूरत होगी तभी आपने उसको इशू करना है। ये लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट होता है और इसमें एक स्टॉक लेवल बनाकर रखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 13 में, शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन स्टोर लेजर। इधर आपकी रिसीप्ट है, ये इशू है। लास्ट में क्या लिखा है, एज्यूम बेस स्टॉक इज 200 kg एट द रेट ऑफ ₹8 एंड इन फीफो मेथड इज़ टू बी यूज्ड। उसने कह दिया कि मान लिया जाए कि बेस स्टॉक 8 रुपये दर पर 200 किलोग्राम है, तो आपने फीफो मेथड के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है। इट मीन्स आपने इसको मेंटेन करके रखना है यहाँ पर 200 kg का लास्ट तक। अब देखिए 1 जनवरी को 2000 यूनिट 8 रुपीज़ के हिसाब से 16,000 है, देन बैलेंस भी आपका यही आया। उसके बाद 6 जनवरी को आपने 600 यूनिट इशू कर दिया, तो 2000 में से 600 इशू करने के बाद आपका बैलेंस रह गया 1400, फिर 500 और आ जाता है, फिर ये दोनों कैरी हो जाते हैं, फिर इसमें से 600 और इशू हो जाता है, फिर आपका 800 और 500 रह जाता है। देन 500 के बाद 400 और इशू हो जाता है, ये आपका यहाँ पर इकट्ठा हो गया। यहाँ से मैं आपको समझाऊँगी कि 200 कैसे मेंटेन करके रखना है। इसके बाद जनवरी 18 को 1200 यूनिट आपकी इशू की गई है। 1200 के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, इस 800 में से पहले 200 यहाँ पर रिजर्व करके रखो 8 रुपीज़ के हिसाब से, ये आपका मेंटेन रहेगा। अब 8 में से 2 तो यहाँ पर चले गए क्योंकि ये हमने बेस स्टॉक मिनिमम स्टॉक मतलब मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर 600 आए, फिर 500 यहाँ लिए क्योंकि यहाँ पर 1200 रुपये पूरे करने हैं आपको, फिर 400 यूनिट में से 100 रह गया, फिर आपका बैलेंस क्या रखा 200 ये, और 400 में से 100 गए 300 ये रह गया, 300 रुपये और आगे जनवरी 22 को, ये तीनों कंबाइंड हो गए आपके। अब 208 ये तो यहाँ पर आपने छेड़ना ही नहीं है, इसको तो आपने बना कर ही रखना है। अब आपके पास ये दोनों अमाउंट है, इस दोनों अमाउंट में से आपने जनवरी 25 को 500 यूनिट कंज्यूम करनी है, तो 300 यहाँ से गई और 200 यहाँ से 12 के हिसाब से, तो आपका 100 रुपीज़ 12 के हिसाब से हुआ। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 200 किलोग्राम के हिसाब से आपका रेट 800 के हिसाब से आपने मेंटेन करके रखा है। ये था आपका बेस स्टॉक प्राइस मेथड। बेस स्टॉक प्राइस मेथड के बाद आपका नेक्स्ट इसी में आता है एक टॉपिक, स्पेसिफिक प्राइस मेथड। कहता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किसी पर्टिकुलर जॉब डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मतलब जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी आप इसको इशू करोगे, ये परचेजिंग भी उसी पर्पस के लिए की गई है और इसको एक्चुअल कॉस्ट पर ही इशू किया जाएगा, इसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं आते। तो इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर कैलकुलेशन ही नहीं है क्योंकि जिस रेट पर आपने ख़रीदा है उस पर इंश्योरेंस प्लस कैरिज रेट का सभी चीज़ ऐड होने के बाद आपका एक्चुअल प्राइस उसका बताया गया है। कहता है इसकी प्रोडक्शन जो है एक्चुअल कॉस्ट पर की जाती है, बिल्कुल एक्चुअल कॉस्ट पर आती है, इसमें किसी भी तरह का अंडर या ओवर चार्जेस नहीं किए जाते। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी एक्चुअल कॉस्ट पर ही की जाएगी, किसी भी तरह से एक्स्ट्रा जो है पी एंड एल जो है आपसे लिया नहीं जाएगा। कहते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये अनसुटेबल है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूसली काम कर रही है उनके लिए बेनिफिट नहीं होता क्योंकि रेट मार्केट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहते हैं। ये आपका था इसी टॉपिक का लास्ट स्पेसिफिक प्राइस मेथड। थैंक यू।